दोस्तों, दिल्ली और बनारस के बीच बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है। इस दिशा में काम शुरू हो गया है। जमीनी सर्वेक्षण का काम पूरा करने के बाद अब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। कोरोना महामारी की वजह से इस काम में थोड़ी बाधा आई है। बावजूद इसके अगस्त तक डीपीआर रेल मंत्रालय को सौंप दिया जाएगा। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद परियोजना को धरातल पर लाने के लिए भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। मथुरा, अयोध्या व प्रयागराज जैसे धार्मिक शहर इस परियोजना से जुड़ेंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड जमीनी सर्वेक्षण के लिए रडार तकनीक का प्रयोग किया गया है। इस तकनीक में लेजर बीम वाले उपकरणों से सुसज्जित हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बाद दिल्ली बनारस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के सर्वेक्षण में इस आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है। दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया था और लगभग 2 माह में ये पूरा कर लिया गया है। इससे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सर्वेक्षण के अनुरूप रेल परियोजना का पूरा खाका तैयार किया जाता है, इसलिए यह काम बहुत महत्वपूर्ण और चुनौती भरा होता है। इससे प्रस्तावित रेल ट्रैक और उसके आसपास के क्षेत्रों का सही विवरण जुटाया जाता है। भौगोलिक स्थिति, जमीन की प्रकृति, 2 महत्वपूर्ण स्थानों के बीच की दूरी आदि के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इसी के आधार पर परियोजना के लिए जमीन की आवश्यकता का पता चलता है। इसके साथ ही संरचना की बनावट, रेलवे स्टेशन, लोको डिपो सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्माण के लिए स्थान चिन्हित किए जाते हैं। इसी तरह से अन्य जरूरी फैसले सर्वेक्षण से मिली जानकारी के आधार पर किए जाते हैं। NHSRCL के विशेषज्ञ लिडार सर्वे से मिले आंकड़ों के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है ड्राफ्ट रिपोर्ट रेल मंत्रालय को दे दी गई है। यह जल्द DPR भी सौंप दी जाएगी। दिल्ली बनारस के बीच प्रस्तावित हाई स्पीड कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के 22 जिलों से होकर गुजरेगा। यह परियोजना नोएडा, मथुरा, आगरा, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी जैसे महत्वपूर्ण शहरों को दिल्ली से जोड़ेगा। कॉरिडोर पर कुल 12 स्टेशन बनेंगे। न सिर्फ बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाले स्टेशन बल्कि पूरे कॉरिडोर के निर्माण में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। स्टेशनों पर पार्क बनाए जाएंगे। इसके साथ ही कॉरिडोर के किनारे भी छायादार पेड़ लगाए जाएंगे। बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलेगी और इससे लगभग 850 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे से भी कम समय में तय होगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।